नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक सेरा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। यह तस्वीर है बाड़मेर जिला मुख्यालय के विष्णु कॉलोनी की है, जहां से आप देख सकते हैं कि कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए किस प्रकार से लोगों की यहां पर भीड़ उमड़ रही है। हालांकि बाड़मेर जिले में धीरे धीरे कोरोना का कहर कम होता जा रहा है, लेकिन लोगों ने सावधानी बरतते हुए कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं, बालिकाएं एवं लोग सुबह से ही लाइनों में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिन से 18 वर्ष से 44 वर्ष तक आयु वर्ग के लिए टीका लगाया जा रहा है, जिसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी कतारें यहां पर लोगों द्वारा लगाई गई है और अपनी बारी का सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने यह आरोप भी लगाए हैं कि यहां पर टीकाकरण सेंटर पर भेदभाव किया जा रहा है और जो यहां पर स्टाफ है वो अपने चहेतों के टीके पहले लगा रहे हैं। जो लोग लाइनों में खड़े हैं उनकी बारी नहीं आ रही है और बीच में आकर लोग कोरोना के टीके लगा रहे हैं, लेकिन टीकाकरण करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग जिसकी बारी नंबर वाइज आती है उनके टीके लगा रहे हैं। यहाँ टीकाकरण सेंटर के अंदर से आप देख सकते हैं कि लगातार टीकाकरण यहाँ किया जा रहा है और लोगों ने इस कोरोना बीमारी से बचने के लिए यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और कोरोना वैक्सीन लगा रहे हैं। यह तस्वीरें मैं आपको बाड़मेर शहर के विष्णु कॉलोनी से दिखा रहा हूं, जहां पर कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है और यहां आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों की लंबी कतारें यहां पर लगी हुई है और ये सभी महिलाएं, ये लोग सुबह 7:30 बजे से यहां पर लाइनों में खड़े हैं और टीका लगवाने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। लोगों की यहाँ पर भीड़ है वो अधिक संख्या में देखी जा रही है। यहाँ पर पुलिस भी तैनात कर दी गई है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करवाने के लिए पुलिस की भी यहाँ पर तैनात की है और यहाँ से आप सीधा नज़ारा देख सकते हैं कि किस प्रकार से कितनी लंबी कतारें यहाँ पर लोग लगाए बैठे हैं, अपनी बारी का सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बाड़मेर की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक प्रत्येक खबर पहुंचे, प्रत्येक जानकारी पहुंचे, यही हमारी कोशिश रहती है, इसलिए सभी लोग वीडियो शेयर ज़रूर करें। देखिए विष्णु कॉलोनी स्थित जो CSC है वहां से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए यहां पर किस प्रकार से लोगों की सुबह से ही भीड़ उमड़ रही है। लगातार ये नर्सिंग स्टाफ अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, 2400 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि कुछ लोग जो यहां पर टीका लगाने आए हैं उन्होंने ये आरोप भी लगाए हैं कि यहां कोरोना वैक्सीन में भेदभाव किया जा रहा है, लोग बीच में जान पहचान वाले जो है वो लाइनों के बीच में से जाकर के टीके लगवा रहे हैं और कुछ लोग यहाँ सुबह से खड़े हैं, उनकी बारी नहीं आ रही है। आइए इस पूरे मामले को लेकर कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या कहना है इन लोगों का। कहाँ से आए हो? मैं सूरत से। नहीं, यहाँ कहाँ रहते हो? क्या यहाँ क्या करवाने आए हो? टीका लगवाने। क्या कंडीशन है यहाँ पर वो बताएं। कंडीशन बहुत, सुबह 7:30 से आए हुए हैं, नंबर नहीं लग रहा है, बीच में लोग आ रहे हैं, भीड़ हो रही है। क्या छाया पानी की यहाँ क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं है। कहाँ से आए हो? बाड़मेर। ये बताइए क्या कंडीशन है टीकाकरण की और कितनी परेशानी? कुछ नहीं है, सब बीच में आ रहे, जिसकी चलती वो बीच में आ रहे हैं, हम बैठे पीछे सुबह से आए। तो यहाँ क्या मतलब छाया पानी वगैरह की क्या? टेंट वेंट कुछ नहीं है, टेंट वेंट पानी वानी वैसा कुछ नहीं है। तो यहाँ नंबर आता है या कितने दिन बोटल लेने जाते थे तो पीछे चले जाना पड़ता है। क्या नाम है आपका? नाम सुरेश। यहाँ क्या क्या करवाने हैं आप? अंदर 45 की दुकान है। क्या कंडीशन क्या है? कंडीशन तो बहुत पुअर है, सुबह से मतलब 7:30 बजे से खड़े हैं, धूप के अंदर कोई व्यवस्था नहीं, और अभी 11 बजने को आए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, ना पानी की व्यवस्था, ना कुछ व्यवस्था नहीं। तो कितनी परेशानी हो रही है और या कितने टीके लगा रहे हैं? कोई अपनी संसाधन अभी आया, सुबह कोई नहीं था, लोग अंदर घुस रहे थे, सब कोई व्यवस्था। 60 लोग अंदर घुस रहे। मेरा नाम वीरम देव। कहाँ से आए हो आप?
यहीं श्रीनगर। ये बताइए टीकाकरण है, क्या कंडीशन है और किस तरह से टीके लग रहे हैं? कंडीशन तो ठीक है, टीका लग रहा है, टाइम पे लग रहा है, और लेकिन समस्या तो यही है, व्यवस्था नहीं है। लोग खुद क्या व्यवस्था क्या है यहाँ पर? क्या व्यवस्था ये नहीं है कि सुबह 7:30 आए हुए लोग अभी खड़े हैं और 9 बजे वाले लग के घर पे लगे, तो बीच में लग सुबह 70 लोग थे।